हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने शो करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। दिस इज़ स्पेशली फॉर नवरात्रि, एज इन कि जहाँ पे नवरात्रि मनाया जाता है एंड गरबा खेला जाता है, तो उसके लिए मैंने ये ग्लोई एंड सटल लुक एक क्रिएट किया है। तो या अगर आप भी देखना चाहते हैं कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिए। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे का 9 to 5 एलो एक्वा जेल, और ये मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक्वा जेल है और एज अ प्राइमर भी आप इसको लगा सकते हैं अपने फेस पर। उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमे का 25 शेड कंसीलर, और मैं अपने आईलिड्स पर इसे अप्लाई कर लूँगी एज अ बेस। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद आप ब्रश से अच्छे से उसे मर्ज कर लीजिए पूरे लिड पर। जब कंसीलर आपके बेस पर लग जाए, तो मैं उसको सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि मेरे आईज पर कोई भी क्रीज ना बन पाए। उसके बाद आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्बो का N9 आई शेडो पैलेट। इसमें 9 कलर्स आते हैं, उसमें से मैं अपने लिए एक न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड अप्लाई हो जाने के बाद मैं उसी के शेड के जैसे एक थोड़ा सा डार्कर शेड विद शिमर्स अप्लाई कर रही हूँ उसी शेड के नीचे। क्योंकि ये लुक एकदम सटल एंड ग्लोई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भड़कीले या फिर कलरफुल कलर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे जो कॉपर कॉफी कलर का एक शिमरी शेड है वो अपने आईलिड पर लगा लूंगी। आई शेडो लग जाने के बाद मैं अच्छे से अपना एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और पूरी आई शेडो को दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना रह जाए। उसके बाद पैलेट में से मैं वाइट कलर का आई शेडो ले रही हूँ शिमरी वाला, और वो अपने इनर कॉर्नर्स और अपने आँख पे लगा रही हूँ ब्राउ बोन पर, टू हाईलाइट माई आईब्राउज एंड माई इनर कॉर्नर्स। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, अपने आईलैशेस पर अच्छे से लगा दूंगी।
उसके बाद मैं अपना MUA का पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्राउज़ को फिल करने के लिए, उसमें जो डार्क ग्रे शेड है उसको यूज़ करके। एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्राउज़ को फिल कर लूँगी। आपके पास कोई भी आईब्राउ फिलर हो या पाउडर हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने आईब्राउज़ को और थोड़ा क्लीन करने के लिए मैं उनके ऊपर भी अपना मेबलिन फिटमी कंसीलर सेम अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से एंड उसे अच्छे से मर्ज कर दूँगी। उसके बाद मैं अपनी अली एक्सप्रेस की आई लैशेज लगा रही हूँ एंड ये मैंने ऑफ कैमरा लगा ली हैं। उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 230 नेचुरल बफ। ये मेरा फाउंडेशन मेबलिन फिटमी फाउंडेशन है जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। उसके बाद फाउंडेशन को आप अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश अच्छा लगता है तो आप ब्रश की हेल्प से भी उसे ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ अपना सेम मेबलिन फिटमे का, वो अपने अंडर आई में और अपने जहाँ पे भी मेरे फेस पर स्पॉट्स हैं वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने अपने फोरहेड, अपने नोज, क्यूपिड बो और अपने चिन पर भी कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद अपने अंडर आई को सेट करने के लिए मैं बेन नाई का लूज पाउडर यानी कि जो बनाना पाउडर है उसे यूज कर रही हूँ। उसके बाद स्विस ब्यूटी का फैशन आर्टिस्ट पैलेट में से मैं जो है ब्लशर वही यूज कर लूंगी। ब्रॉन्जर शेड के लिए भी मैं सेम पैलेट से उसकी जो ब्रॉन्जर शेड है वो अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। ये दोनों ही ब्लशर एंड ब्रॉन्जर बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पाउडर जो है वो डस्ट ऑफ कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं नीकारा का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही कम क्वान्टिटी में लगता है एंड बहुत ही सटल एंड अच्छा ग्लो देता है आपको फेस पर। लिक्विड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स की न्यूड एडिशन लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 10 यानी कि 10। ये बहुत ही अच्छा पिंकी न्यूड कलर है जो फेयर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसके बाद मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है। आप इसको मेकअप को सेट कर सकते हैं अपने किसी भी सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। तो यस, इसके बाद आप इयररिंग्स कैरी कर सकते हैं यानी अच्छा सा चनिया चोली या फिर सूट कुछ भी पहन सकते हैं अपने गरबा के लिए। तो इसके बाद ये नवरात्रि लुक कंप्लीट है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye and thank you for watching.